मेरी भैंस को वो शोहरतें हासिल हैं जो गालिबन मलका विक्टोरिया को भी कभी नहीं मिले होंगे। ये थे आजम खान, सपा के बहुत बड़े नेता, इतने बड़े कि इनकी भैंसों को भी सपा शासन में वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। आप जरा मेरी भैंसों का नसीब तो देखिए, ये अल्लाह मैं तो अपने नसीब पे रश करता हूँ, काश मेरा नसीब भी मेरी भैंसों जैसा होता। जब भी टीवी खोलते हैं तो मैं पीछे, मेरी भैंसे आगे, मेरी भैंसे पीछे और उनका गोबर सर पे। ये भैंसे इतनी पावरफुल थी कि भैंसों की वजह से 3 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर हो गए थे। भैंसे तो मंत्री जी की वापस आ गई, पर इसकी कीमत यूपी के 3 पुलिस वालों को चुकानी पड़ी है। मंत्री जी की भैंस की चोरी में लापरवाही बरतने के आरोप में एक दरोगा और 2 सिपाहियों को सजा देते हुए लाइन हाजिर कर दिया गया है। भैंसों का जलवा ऐसा था कि चोरी हो जाए तो रामपुर से लेकर लखनऊ तक सरकार और प्रशासन हिल जाता था। देखिए, ये कोई प्रकरण नहीं है, एक भैंस चोरी का मामला है। भैंस चोरी हुई थी, वो भैंसें मिल गई है हमको, और बाकी जिन लोगों ने चोरी की उनकी हम तलाश कर रहे हैं। अच्छा मैम, ये बताइए किसकी भैंस है? आजम खान की भैंसों का रुतबा यूं समझिए कि 2014 में एक बार 7 भैंसें चोरी हो गई थी, तो एसएसपी समेत कई थानों की पुलिस उन भैंसों को खोजने के लिए जुट गई थी। मामला इतना गंभीर था कि पुलिस को खोजी कुत्तों का सहारा लेना पड़ा था। आखिरकार जब एक एक करके भैंसों की बरामदगी हुई तो पुलिस प्रशासन की जान में जान आई। खुद आजम खान कहा करते थे कि मेरी भैंसों को वो शोहरत हासिल है जो महारानी विक्टोरिया को भी नहीं मिली होगी। मेरी भैंस को वो शोहरतें हासिल हैं जो गालिबन मलका विक्टोरिया को भी कभी नहीं मिली होगी। ये बात आजम खान तब कह रहे थे जब मंच पर उस समय के राज्यपाल बीएल जोशी और अखिलेश यादव भी मौजूद थे। इसलिए कहा जा सकता है कि सियासत में जब भी आजम खान का जिक्र होगा तो यह किस्सा हर कोई याद करेगा कि उनकी भैंस चोरी होने पर किस तरह पुलिस के हाथ पांव फूल जाते थे, प्रशासन सकते में आ जाता था।